मुशायरे की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इस लिखा है कि यहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरा हो रहा है। तो वाकई मैं शब्द प्रखर हो जाते हैं, शब्द मधुर हो जाते हैं। मातम है जारी तेरे मन में ऐसा शैतान क्यों है। हिंदी भी सुनेंगे कवि सम्मेलन और जबान को हम बुला नहीं पाएंगे, वो हमारे मजीवान के नशुसुत कर नुतफीवान जताने इस कष्ट मुस्कात कर। तो इंशाल्लाह शायरात और शौरा हजरात मुदस्सिर साहब हैं हिंदी के हैं, हालांकि मैं इनको अभी दावत नहीं देना चाहती थी, मगर मैं मेरी तरफ से लाज रहे इस उन्वान की कवि सम्मेलन की, और मैं एक ऐसे शायर को इसको कुलहिन मुशायरा था और 27 को कवि सम्मेलन था। द वर्ल्ड 8 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमन मनाया जाता है, तो उसी वसादत से हमने आज अपने कॉलेज में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया। तो इसका मकसद है कि हम कमेमोरेट करें कि क्या हमें करना चाहिए ताकि एक वुमन जो है वो एम्पावर्ड हो जाए, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। ये जो हमारा मुल्क है ये लाल दैद का मुल्क है, ये हमारा मुल्क हब खातून का मुल्क है, रूपा भवानी का मुल्क है और अग्निमाल का मुल्क है। तो अभी भी हमारा अगर हॉस्पिटल आप देखेंगे तो ललदत हॉस्पिटल उसका नाम है, लेकिन अगर आप देखेंगे वहाँ हर जगह पोस्टर लगे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ बैंड। तो हमें अपने बच्चों को, हमें सबको बोलना है कि नहीं, वी शुड बी एम्पावर्ड टू द लेवल जहाँ पर कोई जेंडर डिस्पैरिटी ना हो, देर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। इंशाल्लाह आजकल की वुमन है वो काफ़ी एम्पावर्ड है। अगर आप देखेंगे हमारे कश्मीर में इस वक्त हमारी वाइस चांसलर शी इज़ वुमन, हमारी डायरेक्टर साहिबा जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है यास्मीन अशाई साहिबा शी इज़ वुमन, तो हर एक शोबे में हमारी डीसी बारामूला शी इज़ वुमन, हर एक शोबे में जो है वुमन काफ़ी आगे चली गई है। जो हमारे अल्ताफ मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केलम में जो ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है फॉर वुमेन्स ऑफ आवर सोसाइटी। इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमारी सोसाइटी में जो भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है हाउ टू लिव देयर लाइव्स, हाउ टू मतलब, और इससे हमारी सोसाइटी के लिए भी एक सीख है हाउ टू क्रिएट जेंडर इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, और वुमेन्स को कैसे एम्पावर किया जाए, ये सब कुछ इससे हमें सीखने को मिल रहा है। ये जो हमारे कॉलेज में ये जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है प्रेजेंट डेज़ में, क्योंकि प्रेजेंट डेज़ में लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी तो हो ही रही है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट है और बहुत ही यूज़फुल इवेंट है।